हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप। चलिए, आज है हमारी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट, क्लास है 4, उपविषय है भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, आज हम जानेंगे भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में, कौन कौन से पहाड़ हैं और कैसी कैसी जगह है, कौन कौन सी जगह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। रिक्त स्थान भरिए, उत्तर कॉपी में लिखें अथवा वॉइस मैसेज के थ्रू भी आप बता सकते हैं। आप या तो कॉपी में लिखें भाई, या आप अपने टीचर को वॉइस मैसेज के द्वारा बताएं। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में हमें कुछ दे रखे हैं शब्द, जो कि हमारे इस खाली जगह पे आएंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हिमालय की डैश चोटियाँ बहुत ऊंची हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिमालय पर्वतमाला। क्या है, हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ बहुत ऊंची हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसका पूरा नाम है, और यह है नेपाल में है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में थोड़ा। एवरेस्ट, ठीक है, चलिए आपको दिख गया। राजस्थान में अरावली, कौन सी पर्वतमाला है भाई, अरावली। मध्य भारत में विंध्या और सतपुड़ा। पर्वत हैं। चलिए हो गए, ये आपके जो हैं खाली स्थान भरने के क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये आपके पूरे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी बच्चों, कुछ इश्यू आ गया है इसमें। चलिए पेज नंबर 1, हमारा खाली स्थान और रह रहा है यहाँ पे। दिल्ली के नज़दीक पहाड़ी राज्य है, तो उस पहाड़ी राज्य का क्या नाम है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये आपका यहाँ पे हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से। नीचे हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे हैं। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, तो उस पर्वतमाला का नाम बच्चों आपको यहाँ पे बताना है। उस पर्वतमाला का नाम हिमालय है। क्या नाम है उसका, हिमालय। कौन से पर्वत घाट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो हमारा है पश्चिम घाट। कौन से घाट पर होती है, पश्चिम घाट। चलिए पहाड़ों पर खेत किस तरीके के बने होते हैं, तो पहाड़ों पर खेत बने होते हैं बच्चों सीढ़ीदार। सीढ़ीदार खेत की यहाँ पे मैंने पिक्चर आपके लिए लगाई हुई है, कैसे बने होते हैं सीढ़ीदार। चलिए आगे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की मुख्य फसल है सेब। कौन सी फसल है, सेब। यहाँ सबको सेब आपको मैंने बनाया हुआ है, यहाँ सेब का पिक्चर भी मैंने आपके लिए लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अपनी कॉपी में इस तरीके का आपको चित्र बनाना है, सुंदर सा चित्र आपको ड्राइंग यहाँ पे बना देनी है और उसको कलर भी करना है। चलिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है, मोबाइल फ़ोन के कोई 2 उपयोग लिखिए तथा 2 नुकसान लिखिए। चलिए देख लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के 2 उपयोग आपको लिखने हैं और 2 नुकसान भी लिखने हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए थे, ये सीढ़ीदार खेत हैं। सीढ़ीदार खेत की मैंने बच्चों यहाँ पे आपके लिए फ़ोटो लगा रखी है कि किस प्रकार के सीढ़ीदार हमारे खेत होते हैं। ठीक है, इस तरीके के हमारे सीढ़ीदार खेत हैं, मतलब सीढ़ी सीढ़ी बनी होती है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों पर प्लेन ज़मीन तो होती नहीं है, यानी कि समतल ज़मीन तो होती नहीं है, इस प्रकार के खेत सीढ़ियों पर यहाँ पर खेत बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का मुख्य फसल सेब थी, उसका फ़ोटो आपके लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप सभी सेब तो जानते ही होंगे, आप किस किस ने सेब खाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपनी कॉपी में एक प्यारा सा सुंदर सा चित्र सीनरी आपको बना लेनी है, उम्मीद करता हूँ आप ये बहुत ही अच्छी
बनाएंगे। अब मोबाइल फ़ोन के कोई दो उपयोग लिख लेते हैं तथा दो नुकसान लिख लेते हैं। पहले तो उपयोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपने परिवार या रिश्तेदारों से वीडियो कॉल या साधारण तरीके से बात कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एक उपयोग। और दूसरा उपयोग है मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दो उपयोग हो चुके हैं। ठीक है, हम अपने परिवार या रिश्तेदारों से वीडियो कॉल या साधारण कॉल पे मोबाइल के द्वारा हम बात कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। ये तो हमारे उपयोग हो गए। अब भाई लिख लेते हैं हम नुकसान। नुकसान क्या है? मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से आँखों की रोशनी कम हो सकती है। ठीक है, एक तो ये नुकसान है और मोबाइल फ़ोन के अधिक इस्तेमाल से हमें गर्दन एवं हाथों में दर्द हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों मैंने दो नुकसान आपको लिख दिए हैं। ठीक है, आँखों में अधिक इस्तेमाल से आँखों की रोशनी कम हो सकती है या अधिक इस्तेमाल से हमारे गर्दन पे हाथों में दर्द हो सकता है। ठीक है, और जो उपयोग थे हम अपने परिवार या रिश्तेदारों से वीडियो कॉल या साधारण तरीके से बात कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे वर्कशीट कम्प्लीट हो गई है यहाँ पर। और भाई जो जो चैनल पे नया है, भाई जो जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के जो लाल बटन है उसको जल्दी से भाई यहाँ पे दबा दे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं अच्छा लगा है तो थम्स डाउन आप दे सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, आप अच्छे तरीके से या तो मुझे समझाएं या बोलें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएँ कि भाई इस जो जारेडा ऑनलाइन क्लासेस है इस पर इस तरीके की नई नई वीडियोज़ आपकी सर वर्कशीट की सॉल्यूशन आता रहता है। और बहुत से वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हम जल्दी ही लाइव लेके आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।